Hey guys, good morning and welcome back my new vlogs. I hope आप लोग अच्छे ही होंगे. आप लोग सब अच्छे होंगे. आज कोई फूल तोड़ के ले गया नहीं है, मतलब एक दो आदमी ही आए थे तोड़ने फूल. तो देखिए सारे फूल ऐसे ही हैं, कोई तोड़ा नहीं है. इधर से तोड़ के ले गए हैं लोग. रेड फूल का जरूरत था और आज तो लास्ट है, आज तो बलिदान है, तो इसीलिए लोग ज्यादा फूल तोड़ रहे नहीं है. देखिए मेरे फूल सब कितना खूबसूरत दिख रहा है. सही. लेकिन मेन ये चीज नहीं है, कुछ और भी है सरप्राइज. अभी मैं गई थी उधर तो मैं देखी तो मेरे ये क्या हो गया, इतना खूबसूरत, इतना खुशी मिला है कि आप सोच नहीं सकते हैं. इस फूल का क्या नाम है थोड़ा सा बताइएगा. जब भी मेरा वीडियो देखें, अगर आप ये फूल दिख रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि इसका क्या नाम है. और ये सब तो उजाड़ने वाली हूँ. मेरे घर पे जहां भी देखिएगा आपको ये सब मिलेगा. मिर्ची लगा हुआ फूल के बीच में. और फूल सब देखिए, आज ज्यादा नहीं फूल टूटा है तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है फिर से. नहीं तो ये इधर जब से नवरात्रि स्टार्ट हुआ है तो एकदम लगता था जैसे कि फूल ही नहीं है घर में. तो कोई बात नहीं, माता रानी को चढ़ता था सब, तो इट्स ओके. और मैं आपको सरप्राइज दिखाती हूँ. ये घेवड़ा का फूल सब है. और सब्जी सब तो मेरे घर पे ऐसी हर जगह दिखेगा. और मेरे धान की ये कटाई शुरू हो गई है क्योंकि धान पक चुका था. आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि धान एकदम पक चुका है. इधर का एक साइड का कच्चा है. और सबसे बड़ा खुशखबरी सरप्राइज ये है कि मेरा रात रानी हिल गया है. मेरी सिस्टर आई है अभी गांव से. देखिए करुणा है, मेरी सिस्टर है, वो गांव से आई है अभी. तो उसको मैं बता रही थी कि ये है घर पे लगाना तुम इन साल से. हर श्रृंगार है, रात रानी है, ये लगाने से घर पे अच्छा होता है. लेकिन पता नहीं कब खिलेगा, कल ही तो आ गया. और मैं थोड़ा अपसेट भी थी क्योंकि ऐसे मेरा ये है कि जीतिया फास्टिंग करती है ना मम्मी साहब. तो बचपन से मैं देखी थी अपने नानी के घर पे कि हाँ जीतिया के टाइम में खेलता है. तो मैं सोची चलो ठीक है, लेटेस्ट ये लेट फेट ये है, क्या बोलते हैं, नवरात्र तक खिलेगा. लेकिन नहीं हुआ. तो वही मैं बता रही थी कि पता नहीं कब खिलेगा. देखो ना कल ही तो इतना दिन पहले ही आ गया था. मैंने बोला था कि 3-4 दिन में खिलेगा. तब तक मैंने नीचे देखा तो वाह ये तो खिल चुका है और गिर भी चुका है, आपको पता नहीं चलेगा. और ये एक ऐसा फूल है जो मतलब नीचे गिरा रहता है और इसको फिर उठा के माता रानी को चढ़ाते. देखिए इतना खूबसूरत है ये. जो देखेंगे उसको तो पता होगा, जो नहीं देखे होंगे उसको बता दो कि इसका स्मेल इतना 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 क्या बता मेरे पास शब्द नहीं है. और ये बहुत खूबसूरत है, मतलब सुबह सुबह देख के फिर तो गुड मॉर्निंग ही हो गया. और जब मॉर्निंग गुड होता है तो पूरा दिन गुड ही होगा. सी. और ये लोग खुरदुनी तोड़ रहे हैं. करुणा जो छोटा छोटा है वो भी तोड़ दो. छोटा छोटा है सब तोड़ दो, जितना छोटा छोटा है सब तोड़ दो. ये कोहरा का फूल सब है. मैंने सोचा था इधर लगाएंगे तो छठ में हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं. अभी तो इतना छोटा छोटा, अभी खुद ही छोटा छोटा है. लेकिन उधर का कोहरा सब हो गया है. और ये बड़ा वाला है. और मेरे बेटे को देखिए. तो मैं बहुत खुश हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत खुश होंगे मेरे फूल को देख के. सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग सब बाहर जगह देखे कितना खिला खिला दिख रहा है. पानी भी आ गया है तो चलते हैं, आज तो बलिदान है. हर नवरात्रि मेरे लिए बहुत अच्छा होता है. पिछले साल का नवरात्रि इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, मतलब क्या ही बताएं. मेरे से जो छोटा भाई है
मेरा भाई बिमलेश, तो उसका जो सैम बाबू आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे, क्यूट सा गोलू मोलू एकदम क्यूट स्मार्ट, वो बाबू का जन्म हुआ था जब मैं फास्टिंग थी नवरात्रि का, तो उसी दिन हुआ था। तो हम लोग बहुत खुश थे। नवरात्रि वैसे जब भी आता है तो कोई ना कोई खुशी देके जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी बातें बाद में, बाय, टेक केयर, बाय, एंड अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, बाय।